जनता यूनाइटेड एक बहुत बड़ा विशाल पार्टी बनने जा रहा है। एकदम बड़ा होगा और सिलसिला अभी जारी रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। उन्होंने उस दल को त्यागा, बेहद हर्ष का विषय है। हमारे यहाँ आए हैं जी, बिल्कुल बात सही है कि ये जनता यूनाइटेड एक बहुत बड़ा विशाल पार्टी बनने जा रहा है। राष्ट्रीय पार्टी की ओर अग्रसर बढ़ते जा रहे हैं और आज जी जो आए हैं पार्टी ज्वाइनिंग किए हैं वो समझिए बहुत खुशी का पल है। और ये तो साफ संकेत है कि जिस पार्टी से वो आए हैं उनके पिताजी प्रदेश अध्यक्ष है अभी वर्तमान में। तो हम यही चाहेंगे कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी का विकास कार्य को देखते हुए वो इस पार्टी का ज्वाइनिंग किए हैं और आस्था के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का विकास धारा का श्रमिक गरीब मजदूर वर्ग का जो विकास हुई है उसके लेकर के उन्होंने प्रभावित होकर इस दल में शामिल हुए हैं और आगे उनको मान सम्मान को ख्याल रखा जाएगा। अजीत बाबू जो आए हैं इसके लिए हम सब जनता यूनाइटेड कार्यकर्ता लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं, बहुत खुशी है। इससे अच्छा खुशी होगा ही नहीं कि क्योंकि वहाँ अराजकता था, यहाँ विकास है। विकास के मुख्य बिंदु को सोच के समझ के अजीत बाबूजी इस पार्टी में ज्वाइनिंग किए हैं। इसके लिए मैं अपने तरफ से संतोष शर्मा जेडीयू प्रदेश सचिव श्रमिक प्रकोष्ठ की ओर से बधाई देता हूँ। जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं और उनके बेटे विपक्षी दल में शामिल हुए, जदयू में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जदयू के अंदर जदयू एक परिवार है और यहाँ हम लोग फैमिली की तरह एक रहते हैं। वहाँ जैसा संकुचित विचार नहीं, वहाँ के अपमानित हो रहे थे, वहाँ असहज महसूस कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने नीतीश जी के कामों से, नीतीश जी के विकास यात्रा से उन्होंने प्रभावित होकर के जनता दल यूनाइटेड में आज सम्मिलित हुए हैं। एकदम बड़ा होगा और सिलसिला भी जारी रहेगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी और लोग भी आएंगे जदयू के, नीतीश जी के कार्यों से प्रभावित होकर और लोग भी आएंगे जो वहाँ असहज महसूस कर रहे हैं, वो सभी लोग हमारे पार्टी में आएंगे और यहाँ ज्वाइन करेंगे। देखिए आज का ज्वाइनिंग जो है, आज का जो ज्वाइनिंग है इससे विपक्ष को अलग संदेश गया। नीतीश कुमार जी, राम मनोहर लोहिया, जेपी साहब, आदरणीय जॉर्ज साहब को मानने वाले हैं, तो इससे तो संदेश चला गया ना विपक्ष में कि नीतीश कुमार काम में विश्वास करते हैं, ना कि ये निष्ठापूर्वक काम करते हैं। विपक्ष तो सिर्फ खोदने में लगा रहता है। आज जगदानंद सिंह जी सम्मानित पद पर हैं वो आरजेडी में, लेकिन उन्होंने भी घुटन महसूस कर रहे हैं अंदर से। हम तो मांग करेंगे भाई नीतीश कुमार जी के आदर्शों को मानिए, और मैं तो यही कहूँगा कि लोकतंत्र है, अब भाई तीर तो कमान से निकल चुका है। आपके आदरणीय सुसज्जित और सम्मान व्यक्ति आज ज्वाइन कर रहे हैं जनता दल, इससे अच्छा संदेश गया। आदरणीय केसी त्यागी जी, हरिवंश सर, जितने लोग हैं सभी ने नीतीश कुमार के प्रति विश्वास किया। जय जनता दल। हम प्रवक्ता हैं क्या जी, बताइए राजद के एक बड़े नेता के बेटे जो हैं वो जदयू में शामिल हो रहे हैं। देखिए हमारी पार्टी में लगातार हमारी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की विचारधारा से प्रेरित होकर, उनकी कार्यशैली छवि को देखकर अन्य दलों से नेता आते रहते हैं। आज इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जगदा बाबू के बेटे अजीत जी हमारे दल में आज शामिल हुए हैं। हम लोग उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने ठीक तरीके से बताया कि किस तरह से राजद कारोबारियों की पार्टी है और अटैची की जो प्रथा है वहाँ चलती है, वहाँ किसी कार्यकर्ता की पूछ नहीं हो सकती है और अपमानित किया जाता है उनके पिता को और भी वरिष्ठ नेताओं को। अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने उस दल को त्यागा, बेहद हर्ष का विषय है। हमारे यहाँ आए हैं, हम लोग उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और लोग के भी शामिल होने की निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा बिखरेगा और हमारी पार्टी और मजबूत होगी।